वृंदावन जंगल में सीता नाम की शेरनी और उसके पति शार्दुल का राज था। आसपास के कई जंगलों पर शार्दुल शेर का राज हुआ करता था। जंगल के सारे जानवर शार्दुल शेर की बड़ी इज्जत करते थे। उनके पास अच्छी जिंदगी जीने की हर एक चीज थी, लेकिन उनके जीवन में बस एक चीज की कमी थी, जो थी उनकी संतान। कितना अच्छा होता महाराज अगर इस दुनिया में हमारी भी कोई संतान होती। हाँ शेरनी जी, भगवान ने हमें हर ऐशो आराम की चीज दी है, लेकिन संतान नहीं दी। तुम मायूस ना हो, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। शार्दुल शेर सीता को दिलासा देते हुए कह रहा था। तभी उनके पास शार्दुल शेर और सीता की गुफा पर रहने वाली एक बांधी, जो कि हर समय सीता शेरनी की देखरेख में लगी रहती थी, वो एक गाय को लेकर आती है और वो गाय आकर कहती है, सुनो सीता शेरनी जी, मैं किसी पंडित जी को जानती हूँ जिनके आशीर्वाद में बहुत असर और ताकत है। तुम एक बार उन पंडित जी से जरूर मिलो, हो सकता है उनके आशीर्वाद से तुम्हें कोई संतान हो जाए। गाय की बात सुनकर सीता शेरनी और शार्दुल के दिल में एक नई उम्मीद जागती है और वो अपने एक सिपाही को उस पंडित जी को बुलाने के लिए भेज देते हैं। सिपाही पंडित जी को लेकर गुफा पर पहुंचते हैं। सीता शेरनी पंडित को पूरी बात बताती है। तब पंडित जी सीता को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम निराश ना हो शेरनी जी, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ एक अनोखा बेटा पैदा होगा। उसके मुंह से निकली हर बात सच होगी, वह जो कहेगा वह सच होगा। और ये लो जादुई छड़ी, इससे तुम किसी का भी आने वाला भविष्य देख सकोगी। तब पंडित सीता को जादुई छड़ी दे देते हैं। ये सब वहीं खड़ी सीता शेरनी की बांधी सुन रही थी और ये खबर सुनकर वो मन ही मन कुछ सोचने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। तब पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अब राजा शार्दुल और सीता शेरनी भी खुश थे पंडित जी के आशीर्वाद से। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सीता शेरनी को एक अद्भुत सफेद रंग का शेर जन्म लेता है और ये सबके लिए और शार्दुल के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। शार्दुल अपने बेटे का नाम शेर खान रखता है और बेटे की खुशी में शार्दुल जंगल के सारे जानवरों को दावत पर बुलाता है। सारे जानवर बड़े मजे से दावत का आनंद लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक बार शेर खान अपनी माँ की बांधी के साथ जंगल की सैर करने के लिए चला जाता है। शेर खान जंगल में टहल रहा था, तभी एक बाघ मानव वहाँ आता है और वो शेर खान को उठा लेता है। दरअसल इस बाघ मानव को इस बांधी ने ही बुलवाया था और वो शार्दुल के बेटे को उठवा देती है। तभी वहाँ शार्दुल शेर भी आ पहुँचता है और वो शेर खान को वहाँ ना पाकर परेशान हो जाता है। शेर महाराज, अभी यहाँ एक हुकार बाघ मानव आया था और वो हमारे शेर खान को उठाकर ले गया महाराज। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शेर खान को उठाकर ले गया। ये सुनकर शार्दुल शेर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। उधर शेर खान की माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। तब सारे जानवरों में शेर खान के गायब होने की खबर फैल जाती है। तब शार्दुल सभी जानवरों को बुलाकर कहता है, जो भी मेरे बेटे को खोज निकालेगा उसे ढेर सारा सोना चांदी और इनाम मिलेगा। फिर रात होने पर जब सब सो रहे थे, तब वो बांधी मौका पाकर शेरनी की वो जादुई छड़ी चुपचाप उठा लेती है और रातों रात वहाँ से दूसरे जंगल आ जाती है और यहाँ आकर शार्दुल के बेटे शेर खान का पालन पोषण करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। शेर खान कुछ बड़ा हो जाता है। जैसे कि वो बांधी जानती थी कि शेर खान जो भी बोलता था वही सच हो जाया करता था,
एक बार शेरनी की वो बांधी शेर खान से कहती है, शेर खान तुम जो बोलते हो भगवान वो सच कर देते हैं। मैं चाहती हूँ तुम कहो कि मुझे एक बड़ा आलीशान घर मिल जाए। तब शेर खान ऐसे ही बोल देता है और तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर बड़ा और आकर्षक घर प्रकट हो जाता है। ये देख वो बांधी बहुत खुश होती है। ऐसे ही बांधी शेर खान को जो भी कहती वही सच हो जाता। एक बार बांधी उसी जादुई छड़ी के पास जाती है और उसमें अपना भविष्य देखती है। अरे अरे ये मैंने क्या देखा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहीं पर शेर खान भी आ पहुंचता है और बांधी से पूछता है, मामा तुम यहाँ इस छड़ी से क्या देखती हो, मुझे भी जानना है, मुझे बताओ। नहीं तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। बांधी शेर खान को कुछ भी नहीं बताती। तब शेर खान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम बहुत कठोर हो, भगवान करे तुम भी एक पत्थर की पुतली बन जाओ। शेर खान के ये कहते ही वो बांधी पत्थर की बन जाती है। शेर खान ये देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। तब वो उस जादुई छड़ी में सारी सच्चाई देखता है। उस जादुई छड़ी में उसे उसका बचपन, उसका जंगल, उसके माता पिता सब दिख जाते हैं और उसे वो सब दिख जाता है कि कैसे इस बांधी ने शेर खान को अगवा करा दिया था। सारी सच्चाई जानकर शेर खान बड़ा हैरान था। तब वो कहता है, तुम पत्थर से आजाद होकर अपने असली रूप में आ जाओ। तब बांधी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब शेर खान उस बांधी से पूछता है, मैंने आज तक तुम्हारी इतनी इज्जत की, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे मेरे बाबा से अलग क्यों किया था। तो सुनो शेर खान, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी जिंदगी की एक गंभीर सच्चाई। मेरी जिंदगी में मेरा सिर्फ एक ही आसरा था, मेरा बेटा गोपी। मेरा बेटा और मैं एक छोटी सी झोपड़ी में हम दोनों खुशी से रहते थे। मेरी हर खुशी बस उसी से थी, क्योंकि गोपी के पिता एक हादसे में मारे गए थे। लेकिन एक बार मैं और मेरा बेटा गोपी दोनों नदी पर पानी पीने जा रहे थे। गोपी थोड़ा आगे निकल गया, तभी दूसरी तरफ से तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ आई और उस जालिम शार्दुल ने मुझसे मेरी जिंदगी का आसरा ही छीन लिया। लेकिन तब से मैंने ये निश्चय कर लिया था कि शार्दुल को भी ऐसे ही उसकी संतान से अलग कर दूंगी, जैसे इसने आज मेरे गोपी से मुझको अलग किया है। तब से मैं अपना बदला पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें पालते पालते मुझे तुमसे गोपी जैसी मोहब्बत हो गई। शेर खान सारी सच्चाई जानकर हैरान था। तब वो उस बांधी के साथ ही अपने जंगल जाता है। अपने जवान बेटे शेर खान को उस बांधी के साथ वापस आते देख शार्दुल और उसकी पत्नी एकदम हैरान रह गए। मेरा बेटा मेरा शेर खान कहाँ चले गए थे, तुम्हारी याद में मैं पल पल तड़पती रही बेटा। जैसे तुम मेरे लिए तड़प रही हो, ये बांधी पिछले 20 सालों से अपने बेटे के गम में तड़प रही थी। बताओ मुझे आखिर तुमने क्यों मारा था इसके बेटे को। तब शेर खान अपने पिता को उस बांधी के बेटे के बारे में सब बताता है। शार्दुल को सब याद आ जाता है और वो कहता है, क्या वो तुम्हारा बेटा था, लेकिन हमने उसे नहीं मारा था। दरअसल क्या हुआ था कि एक बार मेरी पत्नी को बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो मैं शिकार करने के लिए निकला, तो मुझे एक शेर का छोटा बच्चा खड़ा मिला, तो मैं उसका शिकार करने उसकी तरफ बढ़ा, तो वो नीचे गिर गया। तभी वहाँ भैंसों का एक झुंड आ पहुँचा और मैंने उनमें से एक भैंस का शिकार करके अपनी पत्नी के लिए ले आया था, फिर मुझे नहीं पता। तभी वहाँ एक गाय आती है और वो उन्हें बताती है, दरअसल जब बांधी का बेटा शार्दुल के शिकार करने पर नीचे गिरा था तो वो मरा नहीं था, बल्कि भैंसों के झुंड में फंस गया था, तो मैं उसे उठा लाई थी। लेकिन तभी वहाँ एक बाघ आया और वो उसे मुझसे छीन कर ले गया था। महाराज
वो जालिम बाघ उसे अपने जंगल ले गया महाराज। ये सुनकर शार्दुल शेर और बाघ ही हैरान रह जाते हैं। तब वो शार्दुल शेर, शेर खान और बांधी अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो उसी बाघ के जंगल पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि बांधी का बेटा उसकी कैद में है। तब शार्दुल तेजी से भागता हुआ उस बाघ पर जोरदार वार करके उसे मार डालता है और बांधी और शेर खान उसे कैद से रिहा करा देते हैं। बांधी शार्दुल और शेर खान का बहुत धन्यवाद करती है। तब शार्दुल उन दोनों को भी अपने जंगल ले आता है और सभी हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।